सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैंडअप क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आप लोग काफ़ी लंबे समय से कमेंट कर रहे थे कि सर आप एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप को लेकर के कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप को लेकर के ही जो है कि बात कर लेते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है बात करेंगे कि हमारा एडमिट कार्ड कब आ रहा है, एग्ज़ाम किस डेट में शेड्यूल किया गया है और कुछ एग्ज़ाम इशूज हैं जिस पे हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। सो चलिए आज के ये क्लास शुरू करते हैं। बने रहेगा हमारे साथ में इस क्लास के अंत तक ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आया हूँ तो पूरा का पूरा डिटेल आपको जो है देके जाऊंगा। सो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा स्टैंड अप क्लासेस को और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज मैं आपको डेली दे सकूँ। सो चलिए आज के ये क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सो तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने जो है एडमिट कार्ड को लेकर के। जिस चीज़ को लेकर के आप लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं उसी चीज़ को हम लोग लेकर के जो है बात करेंगे। तो जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए थे उसी समय आपको पता चल गया होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है 21 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक जो है शेड्यूल्ड किया गया है। एयरफोर्स का एग्ज़ाम यानी जो है कि आपका 21 सितंबर से 24 सितंबर तक चलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब हमारा एडमिट कार्ड जब हमारा एग्ज़ाम जो है 21 से 24 सितंबर तक चलेगा तो एडमिट कार्ड किस डेट में आएगा। तो जो सबसे पहला एग्ज़ाम हुआ था, मैं पूरे फैक्ट के साथ में आपको बताऊंगा, तो जो सबसे पहला ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था एयरफोर्स का, उस समय जो एडमिट कार्ड आता था स्टूडेंट्स वो 12 से 15 दिन पहले आता था, ठीक है, एग्ज़ाम से। लेकिन जो पिछले दो बार से और एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, तो अब जो है डेट और कम कर दिया है। अब कितने दिन के अंदर आ जा रहा है आपका एडमिट कार्ड, तो अब आ रहा है जो है 8 से 10 दिन पहले आपका जो है एडमिट कार्ड आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको डेट बता रहा हूं उसी डेट के अंदर जो है आपका एडमिट कार्ड कंफर्म है कि आ जाएगा। तो अगर आपका एग्ज़ाम जो है अगर 21 सितंबर से शुरू हो रहा है तो आपका एडमिट कार्ड 10 से 14 सितंबर के अंदर जो है आपके हाथ में होगा। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूं कि इसका अपडेट आपको कैसे पता चलेगा, तो चलिए आपको दिखा दूँ। तो अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग स्टूडेंट्स, जो एयरफोर्स के वेबसाइट का जो ये नोटिस बोर्ड है इस पर वही पुराना चीज़ शो कर रहा है जो कि क्या दे रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर शेड्यूल टेस्ट फॉर एयरमैन रिक्रूटमेंट जो है 2019 का क्या कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है, ठीक है। ये 2019 नहीं है, मतलब कि 2020 का है, ठीक है। तो ये क्या किया गया है, क्लोज कर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं जो है कि अब ये अपडेट कब होगा, यानी इसको अपडेट किया जाएगा और जब अपडेट होगा तो यहाँ पे जो है आपके एडमिट कार्ड का नोटिस आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, आपका एडमिट कार्ड मैंने बताया कि 10 से 14 तारीख के जो है अंदर आ जाएगा। और बात कर लें जो है यहाँ पे अपडेट होने का, कि मतलब कब आपको बताया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड किस डेट में आएगा, तो 5 तारीख के बाद यानी 5 सितंबर के बाद जो है यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा इस नोटिस बोर्ड पे, एयरफोर्स के इस वेबसाइट पे, कि आपका एडमिट कार्ड जो है 10 से 14 तारीख के अंदर आपके हाथ में होगा, ठीक है। सो अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं कुछ एग्ज़ाम इशूज को लेकर के कि एडमिट कार्ड जो है किन का आएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर मैं डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिया हूँ या फिर जो है डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया हूँ तो क्या मेरा एडमिट कार्ड आएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई गलती किया, ठीक है, अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ गलती किए होंगे यानी जो है आउट ऑफ डेट तो डालेंगे तो जो है आपका फॉर्म फिलअप हुआ नहीं होगा। अगर गलत किए होंगे तो आपका जो है सुधार हो जाएगा। सुधार कब होगा मैं आपको बता देता हूँ, जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे, ठीक है, तो उस समय भी एग्ज़ाम देते वक्त भी जो है लिखा जाता है कि अगर सपोज डेट कोई स्टूडेंट जो है फ़ोटो नहीं लाया रहता है, वहाँ पर 2 फोटो रिक्वायर्ड होती है, आपको पता होगा, ठीक है। तो अगर कोई कैंडिडेट जो है फ़ोटो नहीं लाया है तो आपका जो है फ़ोटो को लेकर के लिखा जाता है। फिर अगर कोई इशू है, ठीक है, किसी चीज़ में नाम गलत है, फादर नेम गलत है, आपका नाम गलत है या फिर कोई और चीज़ गलत है, तो वहाँ पे जो है इस चीज़ का सुधार किया जाता है। अब हम लोग बात कर लें कि अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट लगा दिया, ठीक है, मतलब कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगाया, डोमिसाइल की जगह इनकम लगा दिया गलती से, या फिर आधार वगैरह की जो है अगर आपने फ़ोटो कॉपी लगा दी, मतलब आधार लगता तो नहीं है, केवल आधार नंबर पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ गलत अगर आपने डाल दिया है तो उसका सुधार कैसे होगा, ठीक है। तो ये चिंता आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। मैं बता दूं कि अगर आपने फीस पेमेंट किया है और जितना मैक्सिमम रिक्वायरमेंट था परसेंटेज का आपके इंटरमीडिएट में, चाहे वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो चाहे वाई ग्रुप हो, आपको पता होगा कि ओवर 50% जो है मैक्सिमम रिक्वायरमेंट था, ठीक है, और इंग्लिश में भी जो है ओवर 50% मांगा था। तो अगर इतने रिक्वायरमेंट पर आपने जो है फॉर्म अप्लाई किया है तो मैं कह सकता हूं कि आपका 100% जो है एडमिट कार्ड आएगा। अब सुधार वाली बात कर लें कि सुधार कैसे होगा, काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे। तो जब आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे फर्स्ट फेज का, तो उसके बाद आपको पता होगा कि PFT एग्ज़ाम होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, ठीक है। तो उससे पहले टेस्ट के दौरान जो है एक डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होता है, यानी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन किस चीज़ का होता है कि एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग के दौरान जो है
जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराया था क्या वो सही था, हर एक चीज़ वहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है और मैच किया जाता है, तो उसी दौरान आप बता सकते हैं वहाँ पे कि सर मैंने ये चीज़ गलती कर दिया है, ठीक है, तो वहाँ पे वो सुधार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं कुछ इसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के और एग्ज़ाम सेंटर को लेकर के कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे पड़ेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न से पहले तो मैं सबसे पहले बात करूँगा आपके एग्ज़ाम सेंटर को लेकर के कि आप लोगों का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ जाएगा और कट ऑफ किस तरह का जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आपके जो है एग्ज़ाम सेंटर को लेकर के, तो देखिए अगर आपने जो है फॉर्म फिल किया होगा कब, जो लास्ट डेट था, लास्ट डेट से जो है 5 से 7 दिन पहले अगर जो है आपने फॉर्म फिल किया होगा तो जो आपने फर्स्ट चॉइस डाला होगा 100% आपका जो है फर्स्ट चॉइस वाला ही जो है सेंटर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात कर लें लास्ट डेट की, 3 से 4 दिन जो बचे होते हैं उस समय में अगर आपने अप्लाई किया होगा तो मैं श्योरली कह सकता हूँ कि हो सकता है आपको फर्स्ट सेंटर ना मिले, फर्स्ट चॉइस का सेंटर ना मिले, सेकेंड चॉइस या थर्ड चॉइस का सेंटर मिले। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता दूँ, हर एक सिटी में जहाँ पे एग्ज़ाम होता है इसका, ठीक है, चाहे वो नेवी का एग्ज़ाम हो या फिर एयरफोर्स का, एक फिक्स सीट होती है कि इतने ही स्टूडेंट्स का जो है एग्ज़ाम इस सिटी में कराना है, इतने ही जो है एग्ज़ाम सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, सपोज डैट हमने जो है सिटी डाल दिया लखनऊ एग्ज़ाम सेंटर के लिए, ठीक है। अब सपोज डैट जो है हमने लास्ट के जो है 3 डेज जब बचे थे अप्लीकेशन फॉर्म में तब हमने वो डेट डाला, ठीक है, तब फॉर्म डाला और जो है फर्स्ट चॉइस में लखनऊ डाला। लेकिन सपोज डैट अगर वहाँ पे सीट जो है केवल 500 बच्चों का जो है एग्ज़ाम कराने का है और ऑलरेडी 500 बच्चे बुक कर चुके हैं आपसे पहले जो है फॉर्म भर चुके हैं, तो आपको वो सेंटर इसीलिए नहीं मिलेगा, इसलिए जो है आपको सेकंड चॉइस का सेंटर मिल जाएगा अगर वहाँ सीट खाली होगी तो, अगर सेकंड वाले में नहीं खाली होगी तो थर्ड वाले में मिलेगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने पहले फॉर्म अप्लाई किया है तो आप श्योर रहिए 100% आपका फर्स्ट चॉइस वाला ही जो है एग्ज़ाम सेंटर आपको मिलने वाला है। अब हम लोग बात कर लें जो है कट ऑफ को लेकर के कि पिछली बार का कट ऑफ क्या रहा, इस बार का कट ऑफ क्या रहा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछली बार का कट ऑफ जानना है तो कल मैं जो है एक वीडियो अलग से और प्रोवाइड करा दूंगा एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के लिए, जिसमें मैं डिटेल में पूरा बता दूंगा कि आपका जो है कट ऑफ पिछली बार क्या गया था और इस बार जो है उस बेसिस पे क्या रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के आधार पे, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर प्रेजेंट कट ऑफ आप लोग पूछें कि इस एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या रहेगा, तो मैं आपको बता दूँ श्योरली वो आपको कोई नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे भाई जो एग्ज़ाम कट ऑफ होता है वो आपके जो है एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्मेंस आप देते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कभी कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है, कभी बहुत लो चला जाता है। जैसे जैसा परफॉर्मेंस आप एग्ज़ाम में देंगे, जैसा पेपर होगा, अगर पेपर टफ होगा तो आपका परफॉर्मेंस पुअर होगा तो जो है आपका कट ऑफ भी पुअर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस जो है अगर आप बढ़िया दे रहे हैं, पेपर हल्का आ रहा है, तो कट ऑफ हाई जाएगा ही जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के कल मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो है अपने कुछ एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स जो है नए हैं जिनको एग्ज़ाम पैटर्न शायद न पता हो, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में सिर्फ अब जो है 20 दिन बचे हैं, आपको पता होगा 20 दिन से भी कम ही समय बचा, हमें लग रहा है 17 से 18 दिन का समय बचा है। तो उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम की तैयारी आपकी हो ही चुकी होगी, तो जितना प्रैक्टिस सेट आपको मिलता है आप लोग जो है जम करके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, क्योंकि जितना एक्सरसाइज आप लोग करेंगे उतना परफेक्टली होगा। क्योंकि देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप को लेकर के, ठीक है। तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आपको पता होगा कि 3 सेक्शन में एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश, साइंस और मैथ, जिसमें 20 नंबर का इंग्लिश आता है, 25 नंबर का मैथ और 25 नंबर का साइंस आता है। टोटल 70 क्वेश्चन होते हैं और आपको टाइमिंग दिया जाता है 60 मिनट, जो कि मैं आपको बता दूं अभी ये आपका एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का एग्ज़ाम बेहद हल्का है, नेवी, AA, SSR और MR के अगर मैच करें उससे तो, ठीक है, उससे कंपेयर करें तो अभी आपका एग्ज़ाम बहुत ही हल्का है नेवी के जो है कंपेयर में। कैसे मैं आपको बता दूं कि आपको जो है एक्स ग्रुप में, ठीक है, 60 मिनट में 70 क्वेश्चन करने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, जिसमें से जनरल नॉलेज है ही नहीं आप में से। और बात कर लें जो है SSR AA और साथ में SSR AA की बात कर लें नेवी की, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 100 क्वेश्चंस पूरे करने होते हैं 60 मिनट में, ठीक है। और आपका कट ऑफ भी जो है कम ही जाता है उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपको सॉल्व करना होता है, एक्स ग्रुप में मैं बात कर रहा हूँ। और बात कर लें जो है वही एयरफोर्स वाई ग्रुप की, तो आप देख ही रहे हैं कि जो है नियर अबाउट जो है नेवी MR का ही पैटर्न रहता है आपके एग्ज़ाम का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपको टोटल 45 मिनट्स दिए जाते हैं 50 क्वेश्चंस के लिए, और वहाँ पे उन लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके एग्ज़ाम की तैयारी और बेहतर हो चुकी होगी,
लेकिन एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अभी मैं जो है आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि स्ट्रेटजी वीडियो जो है प्रोवाइड करा दूंगा कि कैसे आपको जो है 20 दिन में और अच्छी जो है तैयारी करनी है, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ जो है आपके एग्ज़ाम पैटर्न में एक चीज़ और जुड़ा हुआ है जो कि आपको पता होगा पहली या दूसरी बार है ये, ठीक है, दो बार शायद हो गया निगेटिव मार्किंग को लेकर के, ठीक है, क्योंकि तीन ही बार तो अभी एग्ज़ाम हुआ जिसमें से एक बार जो है बिना निगेटिव मार्किंग का हुआ है और दो बार निगेटिव मार्किंग के साथ में हुआ है। तो इस बार भी कन्फर्म है कि जो है निगेटिव मार्किंग रहने वाला है 0.25 मार्क्स का। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को लेकर के सतर्क रहिएगा। आप लोग जिस क्वेश्चन को टच करेंगे वही क्वेश्चन टच करिएगा जो आपको आता हो, ठीक है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बनाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में खबरी ऐप का लिंक है, आप लोग खबरी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे डेली आपको जो है अलग से आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। तो वहाँ पे खबरी ऐप पे जो है स्टैंडअप क्लासेस लिख के हमें फॉलो कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जितना भी तैयारी कराया जा रहा है अपने एग्ज़ाम की अच्छी खासी तैयारी करते रहिए, आप मुझे एग्ज़ाम में बेस्ट करके दिखाएं, यही मेरी उम्मीद है आपसे, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।